भारतवर्ष में आज एक लेटर की बहुत ही ज्यादा चर्चा है। आपको बता दें कि इन दिनों भारत में एक ही पत्र की बहुत चर्चा है जो कि मुस्लिम लॉ बोर्ड ने जारी किया है। मौलाना मोहम्मद वली रहमानी ने यह पत्र जारी करते हुए मुसलमानों को हिदायत दी है कि उन्हें अब किस तरह से इस देश में रहना है। बता दें कि इस पत्र का जो मजमून है वो यह है कि अब चुनाव हो चुके हैं, जो होना था हो गया है, इसके बाद बहुत बुरी स्थितियां भी आ सकती हैं। वहीं लेटर में यह भी लिखा गया है कि मुस्लिम इससे पहले भी कई तरह के बहुत संकट से गुजर चुके हैं, बल्कि कई बार तो ऐसे परिस्थिति बन गई थी कि रोशनी का निशान नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी ईश्वर ने सबको शक्ति दी और एक रोशनी की लौ दिखाई। इस पत्र में उन्होंने यह भी लिखा है कि किस दबाव में आकर वे भारत देश में आकर रहने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा है कि हालात हमेशा एक से नहीं होते। इस पत्र को लेकर कई सारा घमासान मचा हुआ है। एक तबका बता रहा है कि ये मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है, वहीं एक तबका यह मानता है कि शायद ये मुस्लिमों को केवल आगाह करने के लिए है कि आप किसी भी परिस्थिति में ना फंसें या किसी गलत कुतर्क में ना पड़ें जिससे उनको कोई हानि हो सके। हालांकि बात जो भी हो, लेकिन इस पत्र ने माहौल तो गर्म कर दिया है। आपको बता दें कि ये पत्र 23 तारीख को रिलीज किया गया, जिस दिन चुनाव के नतीजे आए, मतलब कहा जा सकता है कि चुनाव के नतीजों के बाद ही इस पत्र को जारी किया गया। इसे जारी करने के पीछे मौलाना का क्या मकसद था ये तो समझ नहीं आता, लेकिन इस बात को लेकर एक नया विवाद जरूर खड़ा हो गया है कि आखिर इस पत्र को लिखने का मतलब क्या था।